ये ग्लव लाइनर्स जो मैंने पहले अपने ले लिए थे और आज आपको पहनने की ज़रूरत आई है। तो आज हम जिस वहाँ से लेह का सफ़र जो कि तकरीबन 330 किलोमीटर का है वो करने वाले हैं। टाइम तकरीबन 9 से 10 घंटे लगेंगे। टाइम चेक इज 6:30 इन द मॉर्निंग। रास्ते में आएंगी जिंगजिंगवार, सरचू, पांग, ऐसे कुछ खास जगह है। और जो सबसे आज का मेन अट्रैक्शन रहेगा वो होगा गाटा लूप्स और मोरे प्लेन्स। किस लूप्स, इनको गाटा लूप बोलते हैं, मोरे प्लेन्स एकदम फ्लैट रोड और इतना फोर लेन हाईवे टाइप से रोड इन दैट हाई ऑल्टीट्यूड, तो उसमें चलाने का मज़ा अलग ही भाई। तो लेट्स मीट इन द रोड मैन। टेम्परेचर काफ़ी कम इस वक्त, तकरीबन 6 या 7 डिग्री के आसपास टेम्परेचर है। सामने जो आपको दिख रहा है वो है, उसके आगे शायद बाराडाचला पास आएगा और एक मंदिर छोटा सा। और ये आज सुबह सुबह मैंने द वेरी फेमस बुद्धिस्ट फ्लैग्स अपनी गाड़ी में लगा दिए हैं फॉर गुड लक। इनमें लिखा होता है ओम माने पद्मे हम 2 बार। ये मैंने शुरू से अपने साथ रख रखे थे, तकरीबन मतलब 2 महीने से मेरे पास थे कि जब मैं कुछ बड़ा करूँगा तब लगाऊंगा, तो मैंने बड़ा कर लिया है। अब अचीव द बिग थिंग बाय डूइंग द काजा सर्किट बाय माई सेल्फ ऑल अलोन, इसलिए फॉर द ब्लेसिंग्स ऑफ गॉड मैंने ये फ्लैग्स लगाए हैं। उम्मीद है कि बाराडाचला में बर्फ ना हो, बिकॉज जनरली इस सर्किट में वही एक पॉइंट है जहाँ पे काफ़ी बर्फ़ गिरती है और रास्ते बंद भी हो जाते हैं। बाराडाचला पास या फिर बाराडाचला, ला मतलब पास। तो ये ट्रक्स, दीज आर द ब्लड फ्लोइंग इन द वेसल्स ऑफ द कंट्री। वेसल्स आर द रोड्स एंड ट्रक्स आर द ब्लड। इफ दे स्टॉप फ्लोइंग द कंट्री विल डाई। तो हैट्स ऑफ टू दीज ड्राइवर्स जो इतने मुश्किल टेरेन में और इतने गंदे रास्तों में भी गाड़ियों को चलाते हैं। जिसपा इस जितने यहाँ पे लोग रहते हैं, जितनी पॉपुलेशन है, उससे ज़्यादा यहाँ पे टूरिस्ट को अकोमोडेट किया जा सकता है, इतना बड़ा जिसपा में होटल का बिजनेस है। और ये भी 15 अक्टूबर के आसपास सब क्लोज करके यहाँ से निकल जाएंगे और सारे होटल्स बंद हो जाएंगे। तो अगर 15 अक्टूबर के बाद आप प्लान करें तो थोड़ी सी आपको शायद कष्ट दिक्कत हो सकता है, बिकॉज यहाँ पे अकोमोडेशन है तो बहुत सारे पर वो सारे क्लोज डाउन हो जाएंगे। आगे नेटवर्क की भी काफ़ी इश्यूज रहेंगे। यहाँ से लेह के बीच में बहुत रेयरली कहीं सिग्नल आपको मिलेगा। और वैसे भी सरचू पास करने के बाद आप लेह लद्दाख में घुस जाओगे तो आपके जो यहाँ पे लोकल सिम्स आपके पास हैं वो काम करना बंद कर देगी। इट इज़ ओनली पोस्ट पेड विच विल फंक्शन। दारचा से कुल्लू बस जा रही है और यहाँ पे दारचा में एक छोटा सा चेक पोस्ट भी है जहाँ पे आई थिंक हमको एंट्री करानी पड़ेगी। एंट्री करनी है भाई? हैं? HP39D9555 हिमालयन के शर्मा बस। ओके, आज के दिन की पहली वाटर क्रॉसिंग, जूते भीगने का पूरी चांस, तो इसके लिए हमको करना पड़ेगा तैयार अपने आप को। हाँ, इससे पहले कि पूरा दिन हमारा भीगे जूतों के साथ जाए, हमने जूते सुखाने का जुगाड़ कर लेंगे। तो देखो, और हाउ टू बी वाटर प्रूफ, तो सबसे पहले हम पहनेंगे पजामा, से पहना सुपर वस्ती क्योंकि स्वयं वाटर प्रूफ, और नहीं करना वाटर प्रूफ,
और अब जाएंगे क्रॉसिंग करेंगे। सांस उठ जाती है भाई थोड़ा सा रिजर्ट करने से। उतर गई तो ये एक पैडी वाटर क्रॉसिंग हमारी आज की। लगे हाथ सिर्फ 2 मिनट या 2-3 मिनट के बाद में एक और हमको वाटर क्रॉसिंग मिल गई। सात बज के 40 मिनट हो रहे हैं 7:40 इन द मॉर्निंग, इसलिए वाटर क्रॉसिंग का लेवल काफी कम है। आई थिंक आगे कोई वाटर क्रॉसिंग है तभी इतना यहाँ पे पानी आ रहा है। तो अब ये देखना है कि वाटर क्रॉसिंग है कि नहीं है, अगर है तो कितनी गहरी है। चल धन्नो आई थिंक वाटर क्रॉसिंग नहीं है बट रोड थोड़ा बम्पी है। और ये बियरो कैंप एंड बियर इज ऑलवेज एट वर्क। थैंक्स बियरो, मैं अपने हर वीडियो में एक बार थैंक्स बोल देता हूँ बियरो को बिकॉज दे आर डूइंग अ वेरी ग्रेट जॉब। सच रोड इन सच टेरेन बहुत मुश्किल काम है। तो जस्ट हमने जिंग बार क्रॉस किया है बियरो के कैंप। सामने बादल आ रहे हैं और अब जो हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं वो 12 लाख की चढ़ाई है। तो ये सामने फ्रेश स्नो है, ये रात को गिरी है। आप देख सकते हैं एक फ्रेश लेयर हल्की हल्की सी जो बनी हुई है रात के टाइम में गिरी है। और ये हम जिंगजिंग बार से 5-10 किलोमीटर आगे आ चुके हैं और सामने फ्रेश स्नोफॉल वाला पहाड़, रात में ही बर्फ गिरी है इसमें और यही 12 लाख का एरिया है। ओ माई गॉड व्हाट इज दिस मैन, फोटो तो बनता है। तो अभी थोड़ा हेलमेट खोल के जन्नत के नज़ारे लिए जाए। तो पीछे जिंगजिंग बार, आगे 12 लाचला। 12 लाचला को क्रॉस करने के बाद आएगा सरचू में हॉल्ट और फिर आगे बढ़ेंगे। तो आप यहाँ के मजे लो, मैं ज़रा फोटो खींच के आता हूँ। तो सामने एकदम मनोहर दृश्य, फिर से एकदम फ्रेश स्नो के साथ और 12 लाचला हम पहुंचने ही वाले हैं। तकरीबन 4 या 5 किलोमीटर रह गया होगा यहाँ से और काफ़ी हाइट हमने अचीव कर ली है। तकरीबन 15,000 फीट के आसपास हम आ चुके हैं। ऑक्सीजन की बहुत ही कमी यहाँ पे, सांस ले रहे तो भाप निकल रही है मुँह से, सूरज निकला है पर ठंड बहुत है। तो ये 12 लाचला के रूट में एक छोटी सी लेक, बहुत ही खूबसूरत सूरज की किरणें पड़ रही हैं इस पर, बहुत शानदार नज़ारा दे रही है ये। एंट्रिंग 12 लाचला, बर्फ़ फ्रेश गिरी है यहाँ पे। 4850 मीटर इसकी हाइट है। सामने फ्रेश स्नो हाइट चेक हम करेंगे तो पता चलेगा घड़ी के हिसाब से 16,300 फीट इज द हाइट। बहुत ठंड है यहाँ पे, बर्फ पिछले सीजन की। सामने नीचे एकदम फ्लैट ग्राउंड वैली एरिया, बहुत ही मतलब क्रिकेट फील्ड बन सकती है वहाँ पे। वर्ल्ड हाईएस्ट ऑल्टीट्यूड क्रिकेट स्टेडियम बन सकता है यहाँ पे।
तो 12 लाचा लाके बाद ऑलमोस्ट रोड कंडीशंस ख़राब ही मिली मुझे अभी तक। 3-4 किलोमीटर आ गया हूँ और ऑलमोस्ट रोड जैसे मैं चल रहा हूँ जिस रोड में उसी टाइप का रोड है, तो इसमें स्पीड भी हम बढ़ा नहीं सकते हैं। और आई थिंक ये ऑलमोस्ट वैसे रोड है जैसा बादल से पहले वाला रोड था। बादल के आगे तो रोड खैर बहुत ही ख़राब था जब काजा वाला सर्किट हम कर रहे थे, तो बादल से पहले वाला रोड कुछ इस प्रकार का था और बादल से बाद वाला रोड इसका डबल ख़राब था, डबल का 5 times ख़राब था। सामने जो देख रहे हैं ढारा टाइप, वहाँ पे घर टाइप बने हुए हैं, वहाँ पे ढाबे होते थे। अब मुझे लग रहा है कि अभी ढाबे हैं नहीं यहाँ पे, क्योंकि या तो लोग वहाँ से चले गए अपने ढाबे बंद करके या फिर ढाबे खुले नहीं इस साल, क्योंकि उन किसी भी बिल्डिंग की वो छत नहीं दिख रही है। तो ये जो जगह है जिसकी मैं बात कर रहा था लास्ट टाइम, यहाँ पे कुछ ढाबे हुआ करते थे बट अभी नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं है, छतें उखाड़ के ले गए हैं लोग। भरतपुर, तो आई डोंट नो शायद यहाँ से आगे शिफ्ट कर दिया है या फिर क्या हुआ है। यहाँ पे रिवर बेड के बीच से जा रहे हैं, किसी टाइम पे यहाँ पे कोई नदी बहती रही होगी जिसकी वजह से यहाँ पे वो वाले पत्थर हैं जो नदी में होते हैं गोल वाले पत्थर। तो जहाँ से हम आ रहे हैं 12 लाचाला, उसके नीचे ऑलमोस्ट रोड ख़राब ही, मेरे को लग रहा है कि वो शिफ्ट हो गए। जो मैं आपको बोल रहा था यहाँ पे होती थी दुकानें, वो आगे सामने आपको ब्लू और येलो कलर के टेंट तिरपाल वगैरह दिख रहे हैं, वहीं पे वो शिफ्ट शायद हो गई है और बॉडी पूरी हिला दी है भाई इस रोड ने तो। ओ ओ ओ ओ हाय 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 राम हाय राम, कब ख़त्म होगा ये रोड। हो 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 हो, वही फिर से आज बाइसेप्स की एक्सरसाइज हो रही है। एक फर्स्ट गियर में चलाना पड़ेगा यहाँ, तो ये तो वैसे ही रोड आ गया जैसा बादल से आगे वाला रोड था। बहुत ही गजब खतरनाक रोड है भाई, बैलेंसिंग एक्ट है यहाँ पे बाइक चलाना, पूरी बॉडी के अस्थि पिंजर सारे हिल चुके हैं। ओए होए होए होए, बाप रे बाप, वाह मजेदार राइड, एक बाइकर का ड्रीम है ये, ऐसी राइड मिलती रहे उसको और मजा लाइफ में बना रहे। अब तो ब्रेक मार लेते हैं यार, ट्रक को जान दो आगे। ओ हाथ तक गया, हाथ की बैट बच गई, चलो चले। आय हाय 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 हाय, ओए होए होए होए, इतने बड़े पत्थर, ये तो वैसे ही रूटा है जैसा बत्तल से आगे था ग्रामपुर तक का। ओए होए 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 होए, ओए होए 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 होए, भैया यहाँ तो आपको सही में यहाँ पे चलाने के लिए यू नीड टू हैव सम एक्सपर्टीज, अगर आ रहे हो तो थोड़ा प्रैक्टिस करके आना भाई, यहाँ पे चलाना बहुत मुश्किल है। और थोड़ी आने से पहले बाइसेप्स भी मार लेना, क्योंकि नहीं मारोगे तो यहीं पे बनेंगे आपकी बाइसेप्स, और जब बाइसेप्स बनती है तो दर्द बहुत होता है और हाथ भी दर्द कर रहा है भाई। ट्रक वाला भी घबरा सा गया कि ट्रक ठीक है ही नहीं है बेचारा, रोक के देख रहा है कि पूरी बॉडी ला दी इस रोड ने तो। ये रोड ऐसे रहने वाला है क्या? ओए होए होए होए, अच्छा है ब्रेकफास्ट नहीं किया भाई हमने, ब्रेकफास्ट सारा बाहर आ जाता है इसमें तो छलांग मार के। तो यहाँ पे विल हैव आवर ब्रेकफास्ट, आलू का पराठा एंड चाय। पिलाओ यार कुछ तो चाय कॉफी, ब्रेकफास्ट मिलेगा पराठा क्या था? आलू पराठा ना, क्या जगह का नाम है? तो दिस वाज भरतपुर, और यहाँ से अब हम
आगे बढ़ते हैं टूवर्ड्स 7 घंटे का सफ़र है यहाँ से डे का। किसी कारणवश आप सरचू ना पहुँच पाए तो यहाँ पे भी आप हॉल्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 200 रुपये पर हेड के हिसाब से वो एक बेड देते हैं, तो आप यहाँ पे भी रुक सकते हैं रात को। दैट इज भरतपुर, BARAT भरत PUR। हल्की सी धुंध नीचे और गाढ़े बादल थिक क्लाउड्स पहाड़ के ऊपर, तो इनसे हम जज कर सकते हैं कि ये बर्फ़ वाले बादल हैं। इसलिए इट्स गुड कि हम थोड़ा जल्दी निकले थे और टाइमली हम सरचू क्रॉस करके आगे निकल जाएंगे। तो थोड़ा सा माहौल, इनफैक्ट बारिश नहीं है, बर्फ़ गिरनी शुरू हो गई है, हल्की हल्की स्नोफॉल शुरू हो चुकी है, तो आई थिंक वी शुड नाउ स्पीड अप। इट्स स्टार्टेड स्नोइंग नाउ। ओह माय गॉड, यही होना बाकी था। रोड कुछ मज़ेदार है, वेरी बम्पी राइड, और आई थिंक काफ़ी आगे तक ऐसी रोड है। बहुत ही ज़्यादा बजरी डाल रखी है और इससे बैलेंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है और हो रहा है, तो इसमें स्पीड मेरी 20 की है, वो भी डाउन स्लोप में। थोड़ा ठीक हो, यहाँ पे दबा रखी है, बहुत ही मुश्किल, गर्दन भी एकदम स्टिफ हो गई मेरी। और ये छोटी सी लेक, बर्फ गिर रही है वहाँ पे या बारिश हो रही है, कुछ तो हो रहा है वहाँ पे, और यहाँ पे एकदम क्लियर, तो इट इज कमाल का मौसम। उत्तरी एक जगह बर्फ, एक जगह धूप। सरचू 15 मक्खन रोड आ गया। ओहो बल्ले बल्ले, 5वें गियर में केड़ा मार दो इतने तुही, बल्ले ना बल्ले। ओ भाई इतनी तेज हवा चल रही है, क्या बतावा तुहानू मैं। तो ये आ गया सरचू का पहला कैंप, और ये भी आई थिंक अभी क्लोज ही कर रहे हैं। आप देख रहे हो पूरा सामान इन्होंने बंद कर दिया है। दिस इज द क्लोजिंग टाइम तोरजे कैंप्स। 7 किलोमीटर है अभी भी सरचू, बट यहाँ पे कैंपिंग साइट्स अभी से ही शुरू हो गई हैं और ऑलमोस्ट सभी कैंपिंग साइट्स अभी क्लोज हो रही हैं, बिकॉज इट इज उत्तरी ऑन तो मार, सॉरी गंदे शब्द यूज़ किए मैंने। इतनी स्पीड पे कोई आएगा और यहाँ पे कोई इंडिकेशन भी नहीं है कि टर्निंग है, अंदर ही जाएगा नाले के सीधे। बैड, कुछ तो होना चाहिए इंडिकेशन। और आगे जाके सरचू का मार्केट आएगा और एक चेक पोस्ट आएगी जो कि हिमाचल की आखिरी चेक पोस्ट होगी, वहाँ पे भी आपका नाम एंटर किया जाएगा। और मौसम साथ देना भाई। और यहाँ से सरचू शुरू होता है, एक्चुअल सरचू। अभी तक हम सरचू के पीछे थे और हल्का सा पानी अभी है, नहीं तो जनरली ज़्यादा ही पानी रहता है यहाँ पे, तो अभी कम ही पानी है। आगे मेरे ख्याल से कोई चेक पोस्ट भी होनी चाहिए जहाँ पे नोट होती है डिटेल्स, वो है कि नहीं है, शायद अगर हटा दी होगी तो पता नहीं, बट पहले तो रहती थी। और ये है आपका वाटर क्रॉसिंग, काफ़ी पानी है यहाँ पे, बहुत संभल के और ध्यान से क्रॉस करना पड़ेगा क्योंकि कीचड़ भी है यहाँ पे। काफी लंबी लाइन,
हमारा यहाँ पे तकरीबन एक घंटे डेढ़ घंटे का डिले, और यहाँ पे BRO कुछ ये जो सामने ब्रिज है इसका रिपेयर कर रही थी, इसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा हम डिले हो गए। और ऐसे सुनने में आ रहा कि तांगलांगला जो आगे पास है वहाँ पे बर्फ़ भी हो सकती है। एंट्री है क्या? नाम सिद्धेश, सिद्धेश वर्मा निंबालकर। और बोलो आपका? केश शर्मा, HP 390 9555। बस सरचू, और यहाँ पे भी एक जो मैंने आपको बोला था एक पोस्ट में यहाँ पे एंट्री होती है, तो हमने करा ली एंट्री। होपफुली अच्छा ही होगा। पांग 75 है यहाँ से। तो एक मस्त लाइन रोड है, दोनों तरफ येलो लाइनिंग है, और बीच में एक मस्त BRO का रोड। ये इमीडिएटली सरचू के पास से ऐसा रोड हमें मिल रहा है, और बहुत ही अच्छा मक्खन रोड। पांग अगला स्टॉप है, इससे पहले हमें कुछ मिलेगा नहीं पांग से पहले, और पांग तकरीबन यहाँ से 70 किलोमीटर दूर है। नदी, पहाड़ और बस, और कुछ नहीं। वेजिटेशन इज नील, दैट इज़ वाई ऑक्सीजन कंटेंट इज सो लो यहाँ पे। So this is the Gata loop starts, 21 loops, altitude 4201 meters, 331 3780, 21 loops yahan se upar tak। This is my friends, my brothers, my sisters, Gata loops, 21 total loops, aur chalane mein alag hi maza aata hai isko। So let us have fun in the Gata loops। तो अभी हमने बहुत सारे लूप्स गोल 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 घूम के ऊपर काफी आ गए हैं। मैंने गिने नहीं कितने लूप्स थे, पहले ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, और एक और ये ऐसे। ऑल्टीट्यूड 14,900 फीट, 14,900 फीट, ऑलमोस्ट 15,000 फीट आप कंसिडर कर लो, और हम ऊपर चढ़े जा रहे हैं अभी, तो वी आर स्टिल गेनिंग हाइट। यहाँ से हम नीचे अगर देखें तो हमें पूरे Gata loops शायद दिख जाएंगे। तो दिस इज एक स्कैन पूरे टेरेन का, यहाँ से पूरे लूप्स ऑलमोस्ट दिख रहे हैं हमको, सारे तो नहीं दिख रहे पर कुछ हिस्सा उसका दिख रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे डाउट हो रहा है कि मैं आगे जा पाऊँगा आज कि नहीं जा पाऊँगा, और आज रुक गया। और ये हैं Gata loops, ऑलमोस्ट काफ़ी लूप्स यहाँ से दिख रहे हैं। तो वी आर स्टिल एट द टॉप एज ऑफ Gata loops, और यहाँ पे लिखा है Gata loops ends 21 loops, 4667 meter, 15,300। तो मेरी वॉच ऑलमोस्ट कैलिब्रेटेड ही है, 100 फीट का फर्क आ रहा है इसमें। तो दीज वर Gata loops, आसमान हैज बिकम मोर ब्लू। अगर आप देखें नीचे से इतना ब्लू नहीं दिख रहा था, और आप तो इतनी हाइट में आने के बाद
इट कांट बी मोर ब्लू. तो स्काई इज एक्चुअली ब्लू. आपको ले लद्दाख हिमाचल प्रदेश ही आगे पता चलता है, बिकॉज दिल्ली दिल्ली में तो आजकल साफ मौसम भी सफ़ेद रंग का ही आसमान दिखता है. तो दिस इज द स्काई, द ब्यूटिफुल स्काई ऑफ लेह लद्दाख एट द हाइट ऑफ 15,900 feet. 16,000 feet पे इस वक्त हम हैं और बहुत ही क्या बताऊँ यार, मेरे को आई एम रियली टेलिंग यू दैट आई डोंट हैव एनी वर्ड्स टू एक्सप्रेस व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ. तो दिस इज नाकिला, यहाँ पे स्टोन मार्कर्स हमने लगा रखे हैं 15,547 feet पे. तो एक और पास आता है तांगलांगला से पहले, जिसका नाम है नाकिला. और ये एक ट्रक जिसका कभी ना कभी एक्सीडेंट हुआ होगा और बहुत ही बुरी हालत में यहाँ पे पड़ा हुआ है कई सालों से लगता है. तो ये पांग से 28 किलोमीटर पीछे एक छोटा सा कैंप है, इसका नाम मुझे पता नहीं क्या है, बट यहाँ पे भी आई थिंक आपको रात को अकोमोडेशन शायद मिल सकती होगी. हाइट यहाँ की पूरे 16,000 feet है. ना 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 ना। भाई क्या जगह है, क्या नाम है जगह का, ये जगह का नाम क्या है? विस्की नाला. तो ये है विस्की नाला. तो अभी हमने एक और पास क्रॉस किया है लाचुंगला, 16,600 feet की हाइट पे था ये. सामने कुछ, अब मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं बने कैसे होंगे, सोचने वाली बात है कि ऐसे ऐसे माउंटेन्स आगे आपको और वो सामने दिख रहे हैं ज़्यादा ये कुछ, और ये सारी सैंड है इस साइड, उसके ऊपर चारों तरफ सैंड और ये टीले से बन रखे हैं, रेत के टीले हैं. तो ये आप देख सकते हैं कोल्ड डेजर्ट में कैसे टीले होते हैं, कैसे ड्यून्स इंट्रोड्यूस तो नहीं है बोलेंगे, बट ये ना पत्थर के हैं ना मिट्टी के हैं, पता नहीं किस चीज़ के हैं, और रेत के भी नहीं है, कुछ तो है, बट इट इज़ ब्यूटीफुल टू लुक एट. आगे बहुत सारे हैं इस लाइन पे ऐसे डिले, और बीच में एक आप केव भी देख रहे हो. तो ये नेचुरल केव है, किसी ने बनाई नहीं है. ओ ब्यूटीफुल साइट, और ये नेचुरल है सब कुछ, इट इज़ ऑल नेचुरल, नेचर इज अमेजिंग. तो दिस इज न्यू ब्रिज, दिस इज ओल्ड ब्रिज, और सामने है पांग, और ये हम आ चुके हैं पांग 15,280 feet. ओ माय गॉड, यहाँ पे हम खाएगा खाना. तो ये पांग हम पहुंच गए हैं 15,280 feet. टाइम 13:59, 2 बज चुके हैं. एक छोटा सा लंच ब्रेक और मौसम आगे साफ ही है. मौसम बढ़िया बढ़िया. यहाँ पे रुकने का भी होता है क्या? है जी. क्या रेट होता है? 200. खाने का तो अलग होगा ना? खाने का अलग जी. चावल दूँ? बस